अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं हफीज़ सेंटर, ये वो जगह, वो मरकज़ जहां पर आपको कंप्यूटर एसेसरीज चाहिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, महंगे से महंगा मोबाइल फ़ोन, सस्ते से सस्ता मोबाइल फ़ोन, सब कुछ यहाँ पर दस्तयाब होता था। मगर गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, नहीं मैं तो सानहा कहूँगा, जो पेश आया जिसमें सैकड़ों दुकानें जो यहाँ पर थीं उनमें मौजूद सामान लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का सामान यहाँ पर जलकर खाक हो गया। ताजर जो हैं हमने यहाँ पर देखा, धाड़े मार मार कर रो रहे थे जिनका सामान मौजूद था, मगर बेबस थे क्योंकि आग कुछ ऐसे वक्त में लगी कि जब तक उनको इतला पहुँची सब कुछ यहाँ पर जल कर राख हो चुका था। हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आबिद बताइएगा, कोई कह रहा है कि 3 बजे के करीब आग लगी, पता बाद में चला, गार्ड्स ने 6:30 बजे इन्फॉर्म किया और 9 बजे के करीब यहाँ पर जब लोग पहुँचे हैं सब कुछ जलकर राख हो चुका था। तफसीलात से आगाह कीजिए क्योंकि कल से ही आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या हुआ? क्या शुक्रिया, आप भी मौके पर आए। और इसमें यह है कि अभी तक किसी को यही क्लियर नहीं है कि आग लगी कब है। रेस्क्यू कह रही है कि उनके पास इतला जो आई है वो 6:11-12 पर आई, लेकिन जो पेस के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि कम से कम 5 बजे के बाद आग लगी थी। इंतजामिया कह रही है कि रात को बिजली का काम अंदर इलेक्ट्रिशियन कर रहे थे, जो कि रात गए कुछ 1:30-2 बजे के करीब काम करने के बाद वापस चले गए, और वो कह रहे हैं कि 5:30 के करीब आग लगी। डीजी रेस्क्यू की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ये क्लेम किया गया था कि 3 घंटे पहले आग लगी रही और उसके बाद रेस्क्यू को इतला दी गई, लेकिन फुटेज इस चीज़ की मौजूद हैं कि जिस टाइम आग लगी उस टाइम सिर्फ 2 से 3 दुकानें यहाँ पर ऐसी हैं जिनमें से धुआं उठता दिखाई दे रहा है, आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। लेकिन 13-12 घंटे बाद अगर देखते तो उसके बाद पूरा प्लाजा जो है वो जलकर राख हो जाता है। तो रेस्क्यू की इस वाले में जो ताजर हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो इंतजामिया वो भी यही कह रहे हैं कि नेग्लिजेंस रेस्क्यू की है, क्योंकि रेस्क्यू की मौका पर सिर्फ 2 से 3 गाड़ियाँ आई हैं। ठीक है, उसके बाद जब गाड़ियाँ यहाँ पर आईं उन्होंने फायर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया, उनकी गाड़ियों में पानी ख़त्म हो गया, उसके बाद वासा की, नेवी की और दीगर जो फायर ब्रिगेड है ज़िले इंतजामिया की, वो गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची और उसके बाद बाकायदा से ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन 12 बजे के बाद जो रेस्क्यू के स्नॉर्कल्स हैं वो स्नॉर्कल जो है वो खड़े हैं और वो उन्होंने 12 बजे के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसके बाद बाकायदा ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो फ्रंट से इसको आग को बुझाने की कोशिश करती रही, आग जो थी वो मिड में लगी थी और उसने पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया। अब तमाम नुकसान जो है, कितनी देर लग गई जो आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए, क्योंकि हमने देखा था फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद था मगर आग बढ़ती चली जा रही थी, बिल्कुल तो कितनी देर लग गई आग पर? रेस्क्यू का कहना है कि रेस्क्यू को इतला 6:11 पे मिली, रेस्क्यू 6:30 बजे के करीब यहाँ पे पहुँच गया जिसने ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन उनके पास सिर्फ 3 से 4 फायर टेंडर थे जिसकी मदद से वो आग पर काबू पाने के लिए कोशिश थे। लेकिन 12 बजे तक रेस्क्यू की 20 से 25 गाड़ियाँ थी, 3 स्नॉर्कल थे जिसको लेकर वो आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ करते रहे, लेकिन 15 घंटे तक आग जो है वो रेस्क्यू के काबू में नहीं आ सकी। 15 घंटे बाद रेस्क्यू क्लेम कर रहा है कि 15 घंटों बाद आग पर काबू पा लिया, ठीक है, लेकिन 24 घंटे बाद भी ये सूरत हाल थी कि कुछ दुकानें ऐसी थी जहां पर हीट वेव की वजह से दोबारा आग भड़क उठती थी, और आज सुबह तक जो है वो रेस्क्यू हेल्पर यहाँ पर मौजूद थे जो कि आग वक्फे से जो भड़कने वाली आग उस पर काबू पाने में मसरूफ़ थे। आज सुबह से जो है कूलिंग का अमल शुरू किया गया, उसके बाद सर्चिंग अमल शुरू किया गया, इस वक्त रेस्क्यू की जानिब से क्लियर कर दिया गया बिल्डिंग को, ठीक है, ताकि अंदर किसी इंतजामिया ने जाना है या जिले इंतजामिया के या जो प्लाजा के जो इंतजामिया वो अंदर जाएं और अंदर जाके देखें इनका कोई अहलकार, इनका कोई अपना दुकानदार अंदर मौजूद तो नहीं, लेकिन रेस्क्यू की जानिब से प्लाजा को क्लियर कर दिया गया है। अब तहकीकाती टीमें भी यहाँ पर पहुँच गई हैं, PFSA के अहलकार भी यहाँ पर पहुँच गए जो कि यहाँ से शवाहद इकट्ठे करें, शवाहद इकट्ठे करने के बाद क्लियर किया जाएगा कि आइंदा जो दुकानदार हैं वो अंदर जा सकेंगे या नहीं। लेकिन ताजर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ में ताजर यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि उनको अंदर ही जाने नहीं दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ पर चोरी की वारदात हुई, 2 चोर जो हैं वो पुलिस ने खुद भी पकड़े हैं। अच्छा, यानी एक तो इतना बड़ा यहाँ पर सानहा पेश आ गया, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हो गया ताजरों का, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि ऐसे भी यहाँ पर कुछ लोग सरगर्म हैं, क्योंकि ताजर आप अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें, हम नीचे भी जाएँगे उनसे बात भी करेंगे, मगर तमाम जो ताजर हजरात हैं वो इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं। और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे ने बताया आबिद चौधरी साहब ने कि PSFA की टीम जो है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जो कि तहकीकात करेगी, शवाहद इकट्ठे करेगी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बाद शायद आग लगी, देखा जाएगा कि आया शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी थी या क्या वजूहत थी।
नीचे चलेंगे, ताजरों से बात करेंगे कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में जो ताजर हैं यहाँ पर बेरोज़गार हो गए हैं। कोई मुलाजिम था, कोई मालिक था, 950 के करीब दुकानें थी यहाँ पर जो कि जिनमें से अक्सर जलकर खाक हो गई हैं। तो उनका कहना क्या है, क्या अपील कर रहे हैं हुकूमत से, क्या मुतालबात हैं उन्हीं से जानें। इस वक्त हमारे साथ ताजर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप लोगों को कब इतला मिली कि हफीज सेंटर में आपकी दुकानों में आग लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, हमें 9 बजे इतला मिली है। तब तक ये चौथा फ्लोर जो है ना, जो सारा जल चुका हुआ था और आग मेरा ख्याल 3 बजे की लगी हुई थी। गार्ड जो बताते हैं वो कहते हैं जी 6 बजे आग लगी है। इन्होंने रेस्क्यू को फ़ोन किया तो रेस्क्यू वाले आपको पता है कि उनके बनाते घंटे पौने घंटे में आते हैं। उसके बाद उन्होंने फायर फाइटिंग शुरू किया, बाद में पानी कभी खत्म हो जाता, कभी कोई मसला, उतने तक ये वाला जो हिस्सा सारा ना बंद हो गया। कौन से फ्लोर कौन से पे आग लगी सबसे पहले? बताते हैं गार्ड के सेकंड फ्लोर पे आग, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। 9 बजे तक चौथे फ्लोर पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल वो जल कर आग हो गया था, आप देख सकते हैं बेशक कैमरे में दिखा दे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने वो देखा है। हमारा उस घर में सामान पड़ा हुआ था, काफी नुकसान हमारा हुआ। क्या आपका सामान कौन सा? नेटवर्किंग का सामान। नेटवर्किंग का सामान था, आईटी से रिलेटेड जो सारा सामान। तो अभी कोई है आपको लगता है कि कुछ? सर नहीं, ये खाक हो गया, आप देख लें, हम तो सड़क पे आ गए। किसी नुमाइंदे ने हमारे साथ रब्ता कोई नहीं किया, ना यूनियन के बंदे ने, ना हमारे साथ हुकूमती कोई बंदा नहीं हमारे साथ रब्ता। अंदाजन कितने का सामान होगा यहाँ पे लोगों का? मतलब हम देखते हैं किसी ने कभी कुछ भी लेना है यहाँ पे, कंप्यूटर से रिलेटेड लेना है, मोबाइल फ़ोन महंगे से महंगा आपने ख़रीदना है, लैपटॉप महंगे से महंगे ख़रीदना है, सारे ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं, एक मरकज़ है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है इससे कि क्या यहाँ पर कितना महंगा सामान यहाँ पर मौजूद होगा, तो कितना नुकसान हुआ? काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। ये समझ लें कि जो ऊपर फोर्थ फ्लोर है उधर ज़्यादातर स्टोर्स है लोगों के, करोड़ों अरबों रुपए का ये नुकसान है, कुछ छोटा नुकसान नहीं हुआ। ये जो हमारा एक ऊपर चौथे फ्लोर पर स्टोर था, उसमें सारी कंप्यूटर की केबल्स, नेटवर्किंग रिलेटेड HDMI केबल्स वगैरह जितनी है वो सारी PVC से रिलेटेड आइटम थी, वो सारी जलकर खाक हो गई हैं। तो ये तकरीबन करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, कुछ छोटा नुकसान नहीं है ये हमारे लिए। हम तो बड़े मरे तो परेशानी हो गई है। क्या हमारा रोजगार लगा हुआ था, हम कैसे सरवाइव करेंगे? अब आप लोग हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं? कंपनसेट करें, हमारे साथ तावन करें, हम बर्बाद हो गए, परेशान हो गए, हमारा रोजी रखी हुई थी यहाँ पे। अच्छा, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ प्लाजों में यहाँ पे जब आग लगती है वो इंश्योर्ड होते हैं, मगर यहाँ पे तो दुकानें थी 900 के करीब दुकानें थी, किसी की इंश्योर्ड नहीं था यहाँ पे, कोई इंश्योर्ड नहीं था प्लाजा, ये इंश्योर्ड ही नहीं है ये प्लाजा। और मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि सेकंड फ्लोर पे आग लगी और फोर्थ फ्लोर पे कैसे चली गई, ये हमें खुद नहीं समझ आई। ये मिड ये बताएं कि हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी प्लाजे हैं, मतलब ऐसे प्लाजे जहाँ पे इतनी मालिक का सामान नहीं पड़ा होता, वहाँ पर भी इंतजाम करवाए जाते हैं, मतलब आग लग जाए या इस सूरत में कोई सूरत हाल पेश आ जाती है तो वहाँ पर फायर फाइटिंग के इंतजाम मौजूद होते हैं अंदर, यकीनन वहाँ पर पानी भी मौजूद होना चाहिए। यहाँ पर क्या इंतजाम? सर इसमें कुछ भी नहीं चल रहा था उस टाइम, कोई चीज़ नहीं चल रही। 1992 का तो बना हुआ है, ठीक है, कोई नया बना होता तो बंदा कहता है कि इसमें इंतजाम तो हो रहे हैं, ठीक है। ये बहुत पुराना प्लाजा है, कभी इसमें आग नहीं लगी। एक दफ़ा लगी थी, दिन के टाइम लगी थी फ्रंट वाली साइड पे, वो कवर हो गई थी। ये पहली दफ़ा ऐसा हादसा होगा, कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। इसके अंदर इतना नुकसान हो गया, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। ये सारे भाई खड़े हुए हैं, सारे सबका रोज़गार इधर से लगा हुआ था। हम परेशान हैं, हम रोड पर आ गए हैं, रात को हम सोए हैं, करोड़पति वाम थी, दिन को उठे हैं तो गरीब हो गए हैं। अब क्या कर सकते हैं, हम बस दुआ ही कर सकते हैं कि अब हुकूमत से पता ही नहीं है कि 3 घंटे से आग लगी, 6 बजे कॉल कर रहे हैं फाइबर गेट पर। किसी ने रब्ता नहीं किया, किसी यूनियन ने रब्ता नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने हौसला खलासी भी नहीं दी कि हमें कि यार आपका नुकसान हुआ, हम आपके साथ खड़े हैं। किसी का एक बंदे का टेलीफोन तक नहीं मुझे आया, मैं पता नहीं अब कैसे, मैं यकीन कर रहा सुबह हॉस्पिटल एडमिटेड था, इकरा हॉस्पिटल में एडमिटेड था, मैं अभी वापस आया वहाँ से। कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे हमें बताएं? ऊपर से सील कर दी है, आप पता नहीं कितने दिनों के सील करते हैं। जी ये ताजरान यहाँ पे मौजूद हैं, और भी यहाँ पे जो ताजर उनसे ही बात करते हैं, मगर इनका तो यही कहना है कि जब हम रात को सोए थे तो करोड़पति थे, मगर जब उठे हैं सुबह तो सड़कों पर आ गए हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है, इनका ये कहना है कि हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही क्योंकि अभी रिसेंटों को सील किया गया है जब से आग लगी थी। कूलिंग का अमल जारी था, जिस तरह से आबिद चौधरी ने बताया कि अब रेस्क्यू की जानब से तो क्लियर कर दिया गया है, मगर क्योंकि यहाँ पे टीम्स तहकीकती टीम्स अभी आई हैं, उन्होंने तहकीकात करनी है, देखना है जाए हादसा पर कि आग किस तरह से लगी, उसके बाद क्लियर करा दिया जाएगा, तब ये तमाम तर जो ताजरान है जाकर देख सकेंगे कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच गई हैं जो कि बेची जा सकती हैं या काबिल इस्तेमाल हैं भी या नहीं है। आगे चलते हैं मज़ीद ताजरों से बात।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब। पहुँचे हैं अपील सेंटर में, यकीनन जो ताजर जिनका नुकसान हुआ है उनसे अफसोस का इजहार यकीन करने आया, उनसे बात करने सामने। सर, यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लाखों का नहीं करोड़ों का नहीं अरबों रुपये का नुकसान हुआ है, क्या ताजरों का क्या इस हवाले से कहना है और हुकूमत से अपोजिशन भी क्या मुतालबा करेगी, किस तरीके से इन ताजरों की मदद की जा सकती है अभी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये बहुत बड़ा सानिया है, इस पे हुकूमत और अपोजिशन की डिवीजन नहीं है, इस पे कोई सियासत नहीं है। यहाँ लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं, 950 शॉप्स हैं, 10,000 के करीब लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, शॉपकीपर हैं, बच्चे हैं जो मुलाजमत करते हैं, सप्लाई चेन है बहुत बड़ी, उनको काउंट करें तो ये फिगर 10,000 से ऊपर चली जाती है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, वज़ीर आज़म साहब से भी और वज़ीर आला पंजाब से भी, कि वो अज़राए मेहरबानी इस जगह को ख़ुद विज़िट करें, और शफकत महमूद साहब MNA भी हैं इस हल्के से और फेडरल मिनिस्टर भी हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इन सब लोगों से मिल के ना सिर्फ इनकी दादरसी करें बल्कि मेहरबानी करके कोई फाइनेंशियल पैकेज इनके लिए अनाउंस करें। एक तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली शॉपकीपर्स को उनके नुकसान का अंदाज़ा लगा के तो उनको कोई फाइनेंशियल ग्रांट दे दे उनको। एक और तरीका ये हो सकता है कि बैंक्स को कहा जा सकता है कि ये दुकानदार तो कैलकुलेटेड है कि आप इनको लॉन्ग टर्म पे लोन दे दें बहुत इजी शराइत पे, ताकि ये 10-12-15 साल में पे बैक कर सकें और ये अपना कारोबार चलाएं। और फिर ये स्ट्रक्चर जो है ये इंजीनियर्स बताएंगे, ज़ाहिर है हम तो टेक्निकल लोग नहीं हैं, कि ये खड़ा रहेगा या इसे अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर इसे अपग्रेड करना पड़ेगा मुझे लगता है कि इस पर पैसा लगेगा, वो दुकानदार नहीं लगा सकते, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कर सकती है, एक पैकेज दे दें और यहाँ पे दिन रात काम करके इसको दोबारा पहली हालत में बहाल किया जाए। तो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत होगी। यकीनन इसके लिए तवज्जो की ज़रूरत होगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से यहाँ पर विज़बट साहब की जानिब से एक कारदाद भी जमा करवाई गई है, और इसी हवाले से तो हुकूमत का अभी तक जो रोल इस हवाले से रहा है, यकीनन अब तहकीकात का तो हुक्म दिया गया है, मगर आपको लगता है कि इनकी दादरसी के लिए या इनकी जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह से होना चाहिए कि फंड जारी किए जाएँ या बैंक्स को कहा जाए, कर पाएगी गवर्नमेंट? देखिए, मैं इस वक्त तनकीद करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे ये करनी आती है और ख़ूब आती है, लेकिन ये वक्त नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऑनेस्टी से हमें हुकूमत को कुछ वक्त देना चाहिए, हमें इंतज़ार करना चाहिए उनका, कि वो हमने डिमांड की है ना जी, ज़ाहिर है मेरे आने से ये आवाज़ अब कौमी सतह पर जाएगी, ये वज़ीर आज़म साहब तक भी जाएगी, वज़ीर आला साहब तक भी जाएगी। अब ये उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा इस तरफ अगर फोकस करें तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है जो हुकूमत हल ना कर सके, लेकिन लोगों की ज़िंदगी मौत का मसला है, लोगों के जीने मरने का मामला है। तो मैं इस वक्त तनकीद नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपील करूँगा, मुतालबा करूँगा, सवाल करूँगा। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनकी जानिब से यही कहा गया है कि ये ऐसा मसला है जिसमें अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर है, यकीनन ताजरों के साथ है, और उनकी जानिब से अपील भी की गई है कि हुकूमत मदद करें इन ताजरों की, जिस तरीके से हो सकती है मदद करें, इनको जिस ग्रांट की ज़रूरत है वो यहाँ पर उनको फ्राहम की जाए, स्ट्रक्चर के हवाले से उनका। अब ताजरों से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस कितना नुकसान उनका हुआ है, उनकी क्या अपील है, क्या वो क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट उनकी किस तरीके से मदद करें। इस वक्त हमारे साथ ताजान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल हफीज़ सेंटर आमिर शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या अभी तक अंदाज़ा लगाया गया है कितना नुकसान हो गया है, और जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड का हमला पहुँचा, जिस तरीके से आग पर काबू पाया गया, वो उस अमल को क्या उस पर क्या कहेंगे? और दूसरा ये बताइए कि प्लाजा तो यकीनन बहुत पुराना है, मगर बीच में अरबों रुपये का नुकसान है, जो सामान पड़ा था जिसका नुकसान हो चुका है, तो कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए थे प्लाजे के इंतजामिया की जानिब से कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा खुदा ना खास्ता वाकया पेश आता है तो काबू पा लिया जाए आग पर किसी तरीके से? देखिए, बात यह है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूनियन की, यूनियन जो जीत के आती है उसके पास इस प्लाजे का करोड़ों रुपए का जो है ना फंड है, करोड़ों रुपए का। आप यकीन करें कि इतना फंड किसी लाहौर कराची पूरे पाकिस्तान में किसी प्लाजे के पास नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनियन जो है ना वो खुद खाने पीने में लगी रही, प्लाजे के कोई काम नहीं किए उन्होंने, 3 घंटे तक आग लगी रही, 3 घंटे तक वो 112 पे किसी ने फ़ोन नहीं किया। यहाँ पे रात के टाइम 40 के करीब गार्ड होते हैं, 40 के करीब, उसके ऊपर इनका एक यूनियन का सीनियर नायब सदर है जो कि सिक्योरिटी का इंचार्ज है,
सिक्योरिटी का इंचार्ज कल शाम तक इस प्लाजे में नजर ही नहीं आया। सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी थी? सिक्योरिटी इंचार्ज की थी। किसी जो प्लाजे में गार्ड होते हैं उन्होंने उसको फ़ोन किया होगा ना, वो नहीं आया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये इस यूनियन के जो सदर हैं ना हमारे में प्लाजे के, उनकी यहाँ पे ना कोई दुकान है ना कोई ऑफिस है, वो आके यहाँ के सदर बन गए हैं अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह भी बने। अब जिस बंदे का माल जल रहा होता ना, मेरा माल जल रहा था ना, तो मैं तड़फ रहा था सारी रात, मैं यहाँ गुजारी सारा दिन मैंने गुजारा। मेरे सुबह आपने देखा होगा मेरी क्या हालत थी, आपको मिला था ना मैं, क्या हालत थी, क्योंकि मेरे अंदर आग लगी हुई थी। लेकिन हमारे सदर साहब आए, उनको भी देखा होगा आपने, कलफ के कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने कफ लिंक्स लगाए हुए हैं, आके इंटरव्यू देना शुरू हो गए। किसी ने नहीं पूछा कि प्लाजे में पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। पानी की शदीद कमी थी। कल मैंने डीसी और उसके कमिश्नर सबको कहा, यार प्लीज़ हमें पानी दे दें। यास्मीन राशिद आई, उनको भी हमने यही कहा, फिलहाल हमें पानी दे दें, आप सियासत ना करें, सिर्फ पानी दे दें हमें। दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की आग है ना, ये सिर्फ पानी से नहीं बुझती, इसके लिए फोम चाहिए होता है। ये डॉक्टर रिजवान साहब भी कल आए थे, वो सिर्फ एक ड्रम आया यहाँ पे, आप देखें कि कितनी गाड़ियाँ आई हैं, मेरा ख्याल है 500-600 के करीब तो कल गाड़ी आई है। एक ड्रम फोम का था, एक ड्रम से कैसे आग बुझ सकती है मुझे बताएं। इसमें गवर्नमेंट की भी, इंतज़ामिया की भी नाहली शामिल है, हमारी यूनियन की तो है ही है। रूल कौन गया? ताजर रूल गया है। हमारे करोड़ों रुपया, यकीन करें अरबों रुपया, ये जो सब ऊपर वाले 3-4 फ्लोर हैं, यहाँ पे सारे इंपोर्टर बैठे हुए हैं, हम तो पहले ही मरे हुए हैं। गवर्नमेंट ने हमें कस्टम ड्यूटी में मारा, हमें वेल्थ टैक्स में, हर चीज़ में मारा। 9 महीने हम कोरोना हो गया, हमारी पहली शिपमेंटें आई थी, पहली शिपमेंटें, यकीन करें 4-5 मेन जो डिस्ट्रीब्यूटर है, पहली शिपमेंटें थी, सारी की सारी जल गई। कैश पड़ा हुआ था वो जल गया, कुछ नहीं बचा। ये कम से कम भी 2 अरब रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। कम से कम भी 2 अरब रुपए के करीब बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है। कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, एक रफ आइडिया है, इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ही नुकसान हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। सर आप बताइए, जिस तरह से उन्होंने कहा इंतजामिया की भी गफलत है और साथ ही साथ हुकूमत की भी गफलत, यानी जो हमारे इदारे हैं उनकी गफलत का यहाँ पर ताजर अक्सर जिक्र कर रहे हैं कि अगर बर वक्त कार्रवाई कर ली जाती, और जिस तरह से उन्होंने बताया पानी की किल्लत का सामना था, जो केमिकल जो इस्तेमाल होना चाहिए आग पर काबू पाने के लिए या फोम का इस्तेमाल करना चाहिए, वो उस तरह से नहीं किया जा सका, तो उसका भी उसकी तरफ भी इशारा किया जा रहा है। मगर जिस तरह से उन्होंने बताया इंतजामिया, यहाँ पे सिलेंडर्स मौजूद होते हैं बर वक्त आग पर काबू पाने के लिए, वो थे वैसे? हमें सुनने को ये भी मिला कि वो सिलेंडर खाली पड़े हुए थे पहले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो सिलेंडर थे उसके ऊपर किसी पर नोज़ल नहीं लगी हुई थी। इसमें इंतज़ामिया जो मौजूदा यूनियन है उसकी बहुत ज़्यादा गफलत थी, उन्होंने कोई इसके लिए ट्रेनिंग नहीं दी हुई थी, बहुत ज़्यादा गफलत थी। आप हमने कई बार ही बढ़ो अपने जितने भी हुकूमत को डबल वन डबल टू चाहिए, आप देखें इस प्लाजे के इर्द गिर्द सारे प्लाजे हैं, कभी डबल वन डबल टू इधर नहीं हुई, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं था। 3-3 घंटे बाद बड़ी गाड़ी आ रही है, वो सिर्फ जस्ट वो एक आई, इधर आग लगी दूसरी तरफ दूसरा प्लाजा जल रहा था, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं था, कोई आप देखें तो लोगों का करोड़ों रुपए का गया। हमारी हुकूमत से सबसे पहले गुजारिश है कि इस प्लाजे को जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर बहाल करें। अगर ये प्लाजा बहाल ना हुआ, हम अपने बच्चों के साथ सड़कों पे यहाँ पे बैठेंगे, और जब तक ये प्लाजा बहाल ना हुआ हम यहाँ से नहीं उठेंगे, कोई ट्रैफिक नहीं यहाँ से चलेगी, कोई नहीं होगा। हमारा सबसे पहले मकसद हमारा इस प्लाजे को ऑन करना है, हमारा ये ऑन होगा इसको हम खूबसूरत दोबारा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम अपने हाथों से काम करेंगे और इस प्लाजे की रौनकों को बहाल करके दिखाएंगे। ठीक है जी, इनका यही कहना है कि सबसे पहला जो हमारा मुतालबा है हुकूमत से वो इस प्लाजे की बहाली का है। आप बताइए जी, आपको क्या लगता है, फयाज भट्ट साहब आप बताएँ कि आपको क्या लगता है कितना वक्त दरकार होगा इस प्लाजे को बहाल करने में, कितना वक्त लग जाएगा, और ये भी बताइए हुकूमत से क्या मुतालबा है, वो किस तरीके से मदद करें आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको टाइम ज़्यादा लगे या कम, हमें जो फौरी जो है हुकूमत से ये मुतालबा है हमारा कि कम अज़ कम हमें जो ना इसकी इजाज़त मिले कि हम अपनी मदद आपके तहत फौरी यहाँ पे काम शुरू करें,
यहाँ पे जितना मलबा जो भी है सारे दोस्त हम इकट्ठा मिल के खुद काम करेंगे और हम वो तो हम इंश्योर करें कि जो जो भी फंड यहाँ पे जो हमें हमारे लिए मुहैया करना है उन वो किसी अमीन को दिया जाए, वो लूटने वाले को कभी कतर नहीं देना चाहिए। ये जो कमेटी बने हो उसमें ये जो स्टेक होल्डर हैं जो डैमेज जिनके हुए हैं उनको शामिल किया जाए और जो है ना बाकी सारा काम इंशाअल्लाह ताला हम कर सकते हैं। हमें पूरा जो है ना हौसला है, हमारे हौसले मजबूत हैं, अल्लाह की मदद के साथ इंशाअल्लाह हम इसे फौरी बहाल करेंगे। इनका ये कहना है कि हम इसको फौरी तौर पर बहाल करेंगे। सर आप बताइएगा, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग जो है ताजर जिनकी दुकानें थी वो तो अलग, मगर जो काम करने वाले थे कितनी तादाद में लोग हैं ये भी हमें पहले बता दें, जो कि अगर जल्दी बहाल ना हुआ प्लाजा तो वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे। हमने पहले देखा कोरोना की वजह से बहुत से लोग बेरोज़गार हुए हैं, उनको भी तक रोज़गार नहीं मिला, तो अगर यहाँ पर ऐसी सूरत हाल बढ़ गई मुस्तकिल कुछ दिन तक ऐसे ही रहा तो कितने लोगों की नौकरी का सवाल हमें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यहाँ पे तकरीबन 40,000 से 50,000 जो स्टाफ मेंबर है यहाँ पे काम करते हैं, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर 40,000 से 50,000 घराना बेरोज़गार हो जाए तो उनकी कैफियत क्या होगी। हम उनकी कैफियत के साथ भी हैं, हम अपने ताजर भाइयों के साथ भी हैं, हमने इस प्लाजे को संवरते भी देखा है, आज हमने उसको उजड़ते देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जज्बात हमारा जज्बा आज भी मजबूत है। अगर गवर्नमेंट ने इसको रिवाइवल करने में हमारे साथ शाना बशाना को किरदार अदा ना किया तो हम अपने दस्ते बाजू के साथ अपने ताजर भाइयों के साथ इंशाल्लाह ताला अपने प्लाजे को दोबारा रोजे रोशन की तरह रोशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। बात यह है कि कमेटी की जहाँ तक ये भाईजान ने बात की, कमेटी एक तयशुदा कमेटी बन चुकी है, लेकिन कमेटी क्या करेगी, मुझे भी उस कमेटी का हिस्सा बना दिया गया है। कमेटी रिवाइवल में क्या किरदार अदा कर सकती है, मेरा नुकसान होगा तो मुझे लॉलीपॉप दिया जाएगा, मुझे बताया जाएगा कि 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, लेकिन 8 दिन या 10 दिन या 1 महीने की जो प्रैक्टिस में मेरे घर में अगर रोज़गार नहीं होगा, मेरे घर में कोई गुंजाइश नहीं होगी तो मैं किस तरह अपना मामला चलाऊँगा। लिहाजा हमें इस कमेटी के साथ बैठना भी ज़रूरी है, लेकिन हमें अपने दस्ते बाजू के साथ अपनी ताकत के साथ अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए और हम इंशाअल्लाह ताला अपने इन ताजर भाइयों को और आपके मीडिया को गवाह बनाकर आज ऐलान करते हैं अगर गवर्नमेंट हमारे साथ ना हुई तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने दस्ते बाजू के साथ इस प्लाजे को इंशाअल्लाह ताला रोशन करके दिखाएंगे, दोबारा हम अपने ताजरों को रोशनियों की तरफ बहाल करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इनका यही कहना है कि गवर्नमेंट ने अगर साथ ना भी दिया तब हम खुद से अपने प्लाजे को जो बहाल करेंगे, मगर बहुत से ताजर यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि शायद जिनके इतना नुकसान हो गया कि खुद से उसका जाला नहीं कर सकते, उनकी अभी भी नज़रें जो है हुकूमत की तरफ ही हैं, वो चाहते हैं कि हुकूमत ही उनका जो नुकसान है उसका जाला किसी तरीके से पूरा करे। तो क्या हुकूमत से कहना चाहेंगे कि यकीनन कमेटी बना दी गई, मगर कमेटी को क्या किरदार अदा करना चाहिए? आपको लगता है कि जो तखमीना लगाया जा रहा है उसके मुकाबले में या उसके मुताबिक कोई जाला अवाम को दिया जाएगा? छोटे ताजर भी साथ साथ ही है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नुकसान तो हमारा इतना हुआ जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल, हम सब सड़कों पे आ गए, हम सब के कारोबार हमने अपनी आंखों से जलते हुए देखे, हमने उस तकलीफ़ को अपने दिलों पे सहा, लेकिन गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इस प्लाजे से 50 करोड़ के करीब सालाना टैक्स जाता है और इसको रिवाइव करने के अंदर बहुत जल्दी करनी चाहिए। वो जो एक रिवायती तरीका है कमेटियां बन जाना और टूट जाना, उससे हट के हमें विद इन मिनट्स विद इन आवर्स इसका जवाब चाहिए, विद इन आवर्स हमें इसकी रेनोवेशन स्टार्ट करने का मौका चाहिए। हम इसको शुरू करना चाहते हैं, हम सब ताजर हैं, हम सब का रिस्क यहाँ से वाबस्ता है, हम इसको जल्द से जल्द अपनी वापस हालत में लाना चाहते हैं। जी यहाँ पे जितने भी ताजर हैं उनका यही कहना है कि सबसे पहला तो मुतालबा हमारा यही है कि क्योंकि हमारे घर इस प्लाजे की वजह से ही चलते हैं तो सबसे पहले तो इस प्लाजे को बहाल किया जाए, इसको अपनी शक्ल में वापस लाया जाए। बहुत से ताजर ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत हमारी मदद नहीं भी करती है तो हम इसको अपने मदद आपके तहत जो है वापस बहाल करेंगे, क्योंकि अगर ये बहाल नहीं होता तो उनके घरों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे ही रहेंगे, वो जल नहीं सकते। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा
कि इस वक्त जो सूरत हाल है ऑफिस सेंटर की, आपने दौरा भी किया है, अंदर जाके इंस्पेक्शन भी की है, टीम से भी जायज़ा लिया है, कब तक आपको लगता है ये बहाल हो भी पाएगा ये प्लाजा, या फिर मुतबादल जगह का इंतज़ाम करना पड़ेगा? देखिए, हमने अभी कमेटी ने विज़िट किया है, जो कमिश्नर साहब ने कमेटी बनाई थी, इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर इंजीनियर्स भी हैं, चीफ इंजीनियर हैं LDA के, IDAP के जनरल मैनेजर हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, और इसके साथ साथ CNW डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी विज़िट किया है, पूरी कमेटी, फोरेंसिक, हमने PFSA को भी रिक्वेस्ट कर ली थी, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, वो भी आ गए, वो अपना एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम कोई फर्म अप स्टेज पे करना कि बिल्डिंग की क्या हालत है एग्जैक्टली वो हम आपसे नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है ऊपर के जो कुछ फ्लोर्स हैं वो डेंजरस नज़र आ रहे हैं। सो हमें अभी फ़िलहाल हमने सील ही रखेंगे इस बिल्डिंग को, हमें मज़ीद टेस्टिंग चाहिए, जो कमेटी है जिसको हेड रंधावा साहब कर रहे हैं वो इसकी टेस्टिंग मज़ीद करवाएंगे अपने लिहाज से, और फिर हम आपको कोई एग्जैक्टली इस पर चीज़ बता सकते हैं कि बिल्डिंग क्या बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्या इसको रिस्टोर किया जा सकता है कि नहीं। और इस ईस्टर्न पोर्शन की बात हो रही है, वेस्टर्न पोर्शन इस कमेटी के मुताबिक अभी एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न पोर्शन काफ़ी बेहतर है। जो शॉप्स हैं वो जो टोटल यहाँ पर 904 शॉप्स थी उसमें से सिर्फ 22% शॉप्स जो हैं वो डैमेज हुई है, ठीक है, बाकी शॉप्स बच गई हैं, बाकी महफूज हैं, बाकी महफूज हैं। तो इसलिए मोर देन 78% के करीब जो शॉप्स हैं वो महफूज हैं, सिर्फ उसका सर्वे हो चुका है, 22% जो है वो डैमेज है। सो मेरे ख्याल में जो फायर फाइटिंग हुई है उसकी वजह से इसको आग को कंटेन करके बहुत बड़े लॉस से बचा लिया गया है, बहुत बड़े लॉस से जो है बचा लिया गया है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि अभी कहाँ नहीं जा सकता, मगर जो ताजर हजरात इस वक्त वहाँ पर भी मौजूद हैं, आपकी भी मुलाकात हुई है, ज़्यादातर ताजरों का यही कहना है कि हमारी जल्द अज़ जल्द दुकानें जो हैं वो खोली जाएँ ताकि हम अपना जो रोज़ का कारोबार है उसका दोबारा से उसको बहाल कर सकें और रोज़गार कमा सकें, क्योंकि जाहिर है ताजरबादी जो डेली वेजेस पे काम करने वाले उनका भी ये रोज़गार बंद हो गया। तो अंदाज़ा क्या लगाया गया है, कितने दिन लग सकते हैं? आपने कहा कि एक हिस्सा ऐसा है जो कि महफूज है और 78% यकीनन एक अच्छी बात भी है, जहाँ पर लोगों का नुकसान हुआ एक अच्छी खबर ये भी है, काफ़ी हिस्सा बच गया है, तो जो हिस्सा बच गया है उनको कब तक इजाज़त दी जाएगी कि वो अपना कारोबार जो है उसको बहाल करें? देखिए, हम ये नहीं चाहते, क्योंकि ये कमेटी का मैंडेट था, कमेटी, हम ये नहीं चाहते कि हम ज़रा सा भी उसमें कोई कोताही हो जाए हमसे। हम मुकम्मल तौर पे ये कमेटी जो एक टेक्निकल कमेटी है उसकी रिपोर्ट पे बैंक अपॉन कर रहे हैं, वो अपना एनालिसिस करेंगे, और अभी एक मैकेनिज्म भी डेवलप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर साहब कर रहे हैं विद DSP और जो इनके प्रेसिडेंट साहब हैं, जो नुमाइंदगान हैं ट्रेड यूनियन के साथ, कि लोग अपना सामान कम अज़ कम निकाल सकें, ताकि वो सामान को उसका एक तरीका होगा, उसकी इजाज़त दे दी जाएगी ताजरों को, वो एक तरीके के तहत एक ख़ास तरीके से अंदर लोगों को लेकर जाया जाएगा और उनको बाहर लेके आया जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन का सिस्टम होगा, बट ऐसे नहीं, वो उसका भी मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, वो मैकेनिज्म आज इन प्लेस हो जाएगा, आज या कल से इंशाल्लाह हम AC साहब उसको निगरानी करेंगे और सर DSP साहब होंगे और साथ ताजर नुमाइंदगान जो है वो जिम्मेदारी उनकी होगी, अंदर की सारी जो जिम्मेदारी है वो प्राइवेट सिक्योरिटी की होगी, क्योंकि सामान पड़ा हुआ है, हमारे लोग बाहर से कॉर्डन करेंगे और जिम्मेदारी इन्हीं की रहेगी, हम बिल्डिंग कॉर्डन रहेगी जब तक के इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर लिया जाता कि बिल्डिंग की हैसियत और इसकी हालत क्या है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रीसेंट लाहौर के सदर हैं मलिक कलीम साहब। सर, अभी तक आपकी जानिब से जो हुकूमत के साथ आपकी मीटिंग हुई, क्या बताया गया है, क्या तखमीना लगाया गया है जो इस वक्त नुकसान हुआ है रीसेंट में ताजरों का? अभी तक तकरीबन 22% जो दुकानें उन्होंने बताया ऐसे ही है कि उसमें, क्योंकि तहसीलदार साहब की ड्यूटी थी और हमारे मेम्बर साहब गए, उन्होंने जो शॉप्स देखी हैं तकरीबन 22% दुकानें जो हैं वो डैमेज हो गई है, टोटल लॉस हो गया उनका। और उसके बाद बिल्डिंग स्ट्रक्चर का मामला है जिस तरह उन्होंने बताया, अब देखना ये है कि अल्लाह ताला अब हमें इसमें शुक्र का मार्जिन कैसे देता है। गवर्नमेंट से 12 दफ़ा रिक्वेस्ट हम ये कर रहे हैं कि हमारे लोग परेशान हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, प्लाजे के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन जो टेक्निकली बात यह है कि अगर वो बग़ैर खुदा ना खास्ता इनकी कंसेंट के अगर लोग चले गए, कोई ऐसा मिसहैप हो गया तो वो उससे भी बड़ा नुकसान होगा, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और हम आपस में जो हमारे ताजर भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं वहाँ पे, उनसे भी बैठ के आज मशावरत हुई है, अब हम एक पेज पे आ रहे हैं सारे, एक हमारी स्ट्रेटजी बन रही है कि किसी तरीके से इनसे हम वो जो ये 15 दिन की बात ये कर रहे हैं कि उसको मिनिमाइज़ किया जाए, और वो जो भी एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि वो बिल्डिंग अगर इस काबिल है, अगर उसकी रिपेयर होने वाली है उसकी रिपेयर फौरी शुरू करवा दी जाए,
अगर वो बिल्डिंग में खुदा ना खास्ता ऐसा मसला नहीं है तो फिर हमें वो इजाज़त दी जाए ताकि लोग फौरी तौर पे वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर सके। तीसरी बात यह है कि जो नुकसान है, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी वादा किया, उनके बिहाफ पे मिनिस्टर साहब ने वादा किया, कमिश्नर साहब ने, डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी। अब हमारी रिक्वेस्ट ये है कि वह तखमीना लागत आज उन्होंने बता दिया 22% दुकानों का नुकसान हुआ है, उसका हम तखमीना लागत लगवा रहे हैं कि कितना बनता है। हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त ये है कि जो तखमीना लागत बनता है हमारे साथ, उनके क्योंकि वो मेम्बरान शामिल हैं कमेटी के, वो बैठ के फौरी तौर पर जो भी तखमीना बनता है वो फौरी तौर पर दुकानदारों को पे किया जाए। तो बस हमें इजाज़त दी जाए जल्द अज जल्द ताकि हम अपना बिज़नेस वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकें। हमारे जो लोग दर बदर हो रहे हैं, इधर उधर जाने का सोच रहे हैं, कुछ समझ नहीं किसी को आ रही, ताकि वो उसी प्लाजे के अंदर बैठे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। फी सेंटर के सदर मलिक कलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी यही कहना है कि हमें उम्मीद है गवर्नमेंट से कि जो ताजरों का नुकसान हुआ है उसका किसी तरीके से अजाला किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इसी प्लाजे को यानी हफीज़ सेंटर को ही बहाल किया जाए। इसको सबसे पहले तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसके नुकसान हुए हैं, जो तामीर व मरम्मत का काम है उसको मुकम्मल किया जाए, उसके बाद यहीं पर दोबारा से कारोबार बहाल किया जाए। 15 दिन का पहले ज़र इंतज़ामिया की जानब से कहा जा रहा था कि वक्त दरकार होगा, मगर इनका कहना ये है, मुतालबा ये है कि उसको जितना मिनिमाइज़ किया जा सकता है, जितना कम अज़ कम किया जा सकता है, वो जल्द अज जल्द कर दिया जाए। क्योंकि जितने भी ताजर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं जो कि फी सेंटर में काम करते हैं, जिनकी दुकानें हैं वहाँ पर, ना सिर्फ वो बल्कि हज़ारों की तादाद में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो सैलरी पे काम करते हैं, ये नुकसान उनका होगा। और जितना ये काम डिले होगा ये नुकसान बढ़ता चला जाएगा। नाज़रीन आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।